हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कोटक नियो ऐप से आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करना है और यहाँ पे आपको अपना फंड कैसे ऐड करना है और जो ट्रेडिंग किए रहेंगे ना वहाँ से एग्ज़िट कैसे होना है, ये आज के वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कोटक नियो ऐप आप लोग इंस्टॉल किए हैं, आप लोग यहां से ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। और दूसरी चीज़, आप लोग अभी तक कोटक नियो ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां आपको लिंक मिल जाएगा कोटक नियो ऐप का, ठीक है। वो लिंक आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, ऐप डाउनलोड करना है और कोटक नियो ऐप से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करना है। मैं आपको क्लियर बता दूं, कोटक नियो ऐप से कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता, एकदम फ्री पे आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी कमाल का ऐप है, इस ऐप का यूज़ आप लोग को करना ही चाहिए गाइस, ओके। तो चलिए हम बिना किसी देरी के कोटक नियो ऐप से ट्रेडिंग करना सीखते हैं और यहाँ से फंड कैसे ऐड करते हैं वो भी हम लोग समझते हैं, ओके। तो गाइस, हम लोग कोटक नियो ऐप पे आ चुके हैं और जैसे ही अपने ऐप को आप लोग लॉगिन करेंगे, आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोगों को पहले मैं बताता हूँ फंड कैसे ऐड करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, टॉप पे आपको फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस इसी ऑप्शन को आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोगों को ये डिपॉजिट के ऑप्शंस को क्लिक करना है और यहाँ आपको जो भी अमाउंट ऐड करना होगा वो ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, है ना। आप लोग RTGS के थ्रू करना चाहते हैं, UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ अपना फंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को अपना फंड ऐड कर लेना है। अब मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोग अपना फंड ऐड कर चुके हैं, अब आप लोग को यहाँ से ट्रेडिंग करना है। तो वो कैसे करते हैं समझिए। तो ये आपको सिंपल सर्च का ऑप्शंस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, फंड के साइड पे आप लोग को सर्च का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, बस इसी के ऑप्शंस को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी स्टॉक पे आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं टाटा स्टील पर ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल टाटा स्टील सर्च कर दिया और जो पहले नंबर का कंपनी आएगा ना उसी को आप लोग को सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा, नीचे पे आप लोग को बाय और सेल का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो पे हमारा व्यू है बाइंग के साइड का, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपल बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे, ठीक है। और बाय के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए, आपको टॉप पे इन्वेस्ट और इंट्राडे का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ आपको इंट्राडे का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। यहाँ आपको क्वांटिटी ऐड कर देना है, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए हम 5 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। ऑर्डर टाइप पे आपको मार्केट सेलेक्ट कर देना है, प्रोडक्ट टाइप पे आपको MIS और 100 एडवांस ऑप्शंस के नीचे आपको सेट द अबो ऑर्डर सेटिंग एज अ डिफॉल्ट, इसको बाय डिफॉल्ट रहेगा। एस्टिमेटेड चार्जेस मैं दिखा देता हूँ कितना आपको चार्जेस लगेगा। देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस कुछ भी नहीं लग रहा है, हाँ एक्सटर्नल चार्जेस, आप एक्सटर्नल चार्जेस ना SEBI को पे करेंगे, कंपनी को नहीं दे रहे हैं पैसा। कई बार क्वेरी आता है लोगों का, कई बार आ चुका है, वो लोग कहते हैं फ्री ब्रोकरेज है फिर भी हमारा 8 रुपये 10 रुपये 20 रुपये कट रहा है, वो किस चीज़ का कट रहा है। तो आप SEBI को पैसा दे रहे हैं, कंपनी को एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है, ये माइंड पे सेट करके रखना है, ओके। तो अभी हम 0.04 रुपीज़ किसको दे रहे हैं, हम SEBI को दे रहे हैं, कंपनी को एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, कोटक नियो ऐप को एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब देख लिए, ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल फ्री है, तो अब हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद गाइस, आप लोगों को क्या करना है, ये सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। एक बार और दिखा देता हूं मैं क्या क्या किया हूं। यहां इंट्राडे कर दिया, ऑर्डर टाइप मार्केट कर दिया, प्रोडक्ट टाइप MIS कर दिया, है ना, सेट द अबो ऑर्डर सेटिंग एज बाय डिफॉल्ट रहेगा। एंड आपको क्या करना है, सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हल्का सा बैक करना है, एक बार और बैक करना है और आप लोगों को इस टाइप से इंटरफेस दिखाई देगा, ये आपका होम वाला डैशबोर्ड है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एग्जिट होना है या आपको अपना पोजीशन देखना है, तो कहाँ पे देखेंगे, ये देखिए होम वॉचलिस्ट ऑर्डर पोर्टफोलियो, है ना। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल पोर्टफोलियो के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है और ये आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ पोजीशंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं 5 शेयर के साथ आप ट्रेडिंग किए हैं, आप 166.52 के रेंज पे एंट्री किए हैं और अभी इसका प्राइस चल रहा है 166.45, इसलिए आपको 0.45 पैसे का लॉस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहेगा, अगर आप
सही डायरेक्शन में है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप गलत डायरेक्शन में है तो आपको लॉस होगा। देखिए अभी यहाँ हमको प्रॉफिट भी शो कर रहा था, ये देखिए है ना। तो अगर हम सही डायरेक्शन में है और हम एनालिसिस करके ट्रेड किए हैं, हमको चार्ट रीड करने आता है, तो हम यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं। और अगर हमको नहीं आता तो हम मनी भी लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग केयरफुल ट्रेड करिएगा, अनलिमिटेड आप लोग यहाँ से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है। अगर रेड पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, ग्रीन पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमको रेड पे डेटा दिखाई दे रहा है यानी कि हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे आपको इतना छोटा लॉस क्यों हो रहा है, तो मैं यहाँ छोटा क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था इसलिए मुझे छोटा लॉस एंड छोटा प्रॉफिट हो रहा है, ओके। अब मुझे यहाँ से एग्जिट होना है तो कैसे होगा, जो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना गाइस, बस इसी को मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए बॉटम पे मुझे बाय मोर और सेल टू स्क्वायर अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसी ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, सेल टू स्क्वायर अप के ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको इमिडिएटली एग्जिट होना है तो आपको ये ऑर्डर टाइप पे मार्केट सेलेक्ट करना है, मार्केट सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। ऑर्डर टाइप पे मार्केट सेलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ सिंपल स्वाइप टू सेल को ऑप्शन को क्लिक कर देना है, आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमको कितने का लॉस हो गया, तो हमको अप्रॉक्स 0.45 पैसे का लॉस हो गया एंड हमारा ऑर्डर जो है यहाँ से क्लोज हो चुका है। तो इस टाइप से गाइज आप लोग कोटक नियो ऐप से क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, काफ़ी आसान है। एक दो बार ये वीडियो और देखिए, आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। ब्रोकरेज वगैरह भी आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा, यहाँ बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, लिंक ओपन कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करिए। और गाइस मैं इसी टाइप के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, तो अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोज़ देखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियो पर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।